हमारे समाज के अंदर ऐसे तत्व भी है भाई साहब कि वो जो है सोचते नहीं है कि हमें कैसी मूवी बनानी है, बस जनता के लिए चूचा बनाना है, मूवी बना देनी है। मूवी का नाम मिस्टर मम्मी। समझ में नहीं आया इस मूवी के अंदर था क्या, मतलब ऐसी मूवी बनाने की जरूरत क्या पड़ गई? पैसा ज्यादा हो रहा था या फिर एक स्क्रिप्ट साइड में पड़ी हुई थी? रितेश देशमुख और जेनेलिया, इन्हें काम नहीं मिल रहा था, क्या कारण था जिस वजह से इन्होंने ये मूवी चूज की? साथ साथ में महेश मांजरेकर, मतलब शानदार एक्टर और इतने अच्छे डायरेक्टर, इतना कुछ होने के बाद भी आपने ये स्क्रिप्ट चूज कैसे करी? क्या कर रहे हो आप लोग, मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आया। मूवी के अंदर बैठा रहा भाई, फर्स्ट हाफ काटना भारी पड़ गया। फर्स्ट हाफ के बाद भी देखनी थी, मजबूरी थी, क्योंकि आप लोगों को बताना था ये कितनी बड़ी बकचोद मूवी है। इस मूवी के अंदर भर भर के बकचोदियां हैं। इस मूवी के अंदर कोई सेंस वाली बात नहीं है। आपको हो सकता है कि पकड़कर हंसाने की कोशिश करे, आप फिर भी हंसने नहीं वाले, क्योंकि कोई भी ऐसा मूवमेंट आपको नहीं मिलने वाला है जिसके अंदर आपकी कोई ठीक तरीके से हंसी निकल पाए। देखो, मैं बाकी रिव्यूज के बारे में बात नहीं करने वाला क्योंकि वो क्या बताएंगे क्या नहीं बताएंगे, लेकिन मैं अपनी पर्सनली बता रहा हूँ, रुपए वेस्ट करोगे बिल्कुल जाकर वहां पर, अगर ये समझ लीजिए। अगर मैं रेटिंग देने की बात करूँ ना, इसे रेटिंग में दे नहीं रहा हूँ, पर लेकिन अगर मैं कंपेरिजन करूँ तो भाई मैं सिर्फ एक रेटिंग दूंगा 5 बजे से, ठीक है? अब आप समझ गए होंगे किस प्रकार की मूवी है। मतलब ये एक टॉर्चर है, ये मूवी नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को आपको टॉर्चर देना है, अपने दोस्त को, अपने भाई को, किसी को भी साथ में ले जाओ भाई, बैठाओ साथ में और दिखाओ उसे भाई साहब, ना सारा टॉर्चर हो जाए वो बंदा पैरों में गिर जाएगा आपके, माफी मांग लेगा, बोल भाई गलती नहीं करूंगा, आज के बाद ऐसी मूवी मत दिखाना बिल्कुल भी, इतनी घटिया मूवी है ये। पता नहीं भाई क्या सपनों में आ रहा है लोगों की, कुछ भी बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं यार, क्या करके रहो यार तुम लोग। रितेश देशमुख भाई, तुम्हारे इतने अच्छे एक्टर होने के बाद भी ऐसे कांड कर रहे हो? देखो, कहानी कुछ ऐसे है कि भाई महेश मांजरेकर जो है वो डॉक्टर साहब हैं, और जो जेनेलिया है वो प्रेगनेंट होना चाहती है, माँ बनना चाहती है, वो हो भी जाती है, पर लेकिन पता चलता है कि रितेश देशमुख भी प्रेगनेंट हो गए। अब ये कैसे हो गए, क्या हो गया भाई, किसी को बताने लायक बचा नहीं, कुछ नहीं, पर लेकिन समाज का खेल है भाई, जो थोड़े बहुत हाई सोसाइटी बोल देते हैं ये लोग अपने आप को, तो ये लोग कुछ बन के ऐसा दिखा रहे हैं, और भैया अब ये समाज के खुल के आ रहे हैं, बड़ा गर्व गौरवान्वित कर रहे हैं भाई, ऐसी प्रकार की चीजें कर रहे हैं। उसके बाद भी जो है समाज को समझ रखा पागल इन्होंने, और समाज जो आसपास का वो भी बड़ा मतलब सारे घुल मिल गए भाई। स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत आती है पर घुल मिल गए यार, क्या चल क्या रहा है साला, बिल्कुल ही तुमने तो प्रकृति ही चेंज कर दी, मतलब कुछ भी कर रहे हो तुम, कुछ भी। बच्चा गया कैसे, निकले कहाँ से, क्या सिस्टम है, कोई मतलब ही नहीं मूवी के अंदर साला, सिर्फ हंसाने के लिए कुछ भी बना दो, कुछ भी बना दो। अब हंसाना है तो डायलॉग से हंसाओ भाई, एक्टिंग से हंसाओ, अपने एक्सप्रेशन से हंसाओ भाई, इन चीज़ों से मत हंसाओ, कोई नहीं हंसने वाला इन चीज़ों से, इन चीज़ों से सिर्फ बोर होगा। तो भाई मेरा सिर्फ यही कहना है कि इस मूवी को देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं, घर बैठो आराम से दशम तू देख कर आओ, और या फिर अगर इतना ही है तो भाई थोड़ा और वेट करो, घर पे कुछ देख लो। बाकी यार वो नया अपना सीरीज आई रही है एमएक्स पर, क्या नाम है उसका, सुसट्टी और अपने विवेक ओबरॉय, इनकी सीरीज आ रही है, मूवी का नाम मेरे दिमाग से निकल रहा है, और सीरीज का नाम मेरे दिमाग से निकल रहा है, सॉरी। बाकी आप देख लेना, 19 तारीख को आ रही थी तो आज आ गई होगी एमएक्स पर फ्री में, देखो आराम से, क्या ही दिक्कत है। बाकी यार देखो, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, कोई जरूरत नहीं है, बस यही मेरा आखिरी पॉइंट है बिल्कुल। और भाई अगर आप लोगों को ये रिव्यू पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, चारों तरफ फैला दो, और मैं आपका ऐसे शानदार रिव्यू लगाता हूँ वंडू मसाला पर। फिर मिलेंगे चलते चलते, जय हिंद।